जिला परिषद चेयरमैन और लगभग सभी जिला पार्षद लघु सचिवालय के सामने धरना देकर बैठ गए। दरअसल जिला परिषद सदस्यों का आरोप है कि विकास कार्यों को लेकर जिले के अधिकारी कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं और बैठक में जिला परिषद सदस्य जब विकास कार्यों को लेकर बातचीत करते हैं तो अधिकारी दुर्व्यवहार पर उतर आते हैं। आयोजित बैठक में जिला परिषद सदस्यों के साथ सीईओ विनीश कुमार का विवाद हुआ, जिसके बाद जिला परिषद चेयरमैन ने आरोप लगाया कि सीईओ ने जिला परिषद सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है। इसके बाद हंगामा होने पर सरकार ने सीईओ का तबादला कर दिया, लेकिन जिला परिषद चेयरमैन और सदस्य सरकार के इस कदम से संतुष्ट नहीं है। धरने पर बैठे जिला परिषद चेयरमैन गीता नांगली ने कहा कि सरकार सीईओ के खिलाफ कार्रवाई करे और जिला परिषद में बजट का विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का कार्य करे। पंचायत परिवार की तरफ से है, जो पिछले 9 माह से हमारे सीईओ डॉक्टर मनीष कुमार जी थे, 4 तारीख को एक हमारी कमेटी बनाई गई विकास कार्यों को गति तेज करने के लिए, और उस मीटिंग में 1.5 घंटा लेट आए। आते जब ये प्रश्न उन्होंने किया कि मेरा नाम इस कमेटी में किसने रखा है, हमने कहा कि आप सीईओ, तो उस बात से वो इतने उतावले हो गए कि मीटिंग से उठकर बेउदगी करने लगे, पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। एक तो मुख्य वो बिंदु है, दूसरा हमारे पास 8 करोड़ रुपया पड़ा है और उसके लिए हम जो भी प्रस्ताव देते हैं पंचायतों की तरफ से लगातार उस पर ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं। हमारे पास जिला परिषद में कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, जई SDO नहीं है। अब वो जो तबादला किया गया CEO का, हम चाहते उस पर कार्रवाई हो तुरंत। हमारे AO भी मुख्य काम नहीं कर रहे, काम में रुचि नहीं ले रहे, उसका भी तबादला हो और तुरंत स्थायी तौर पे किसी CEO को जिम्मेदारी दी जाए। यदि CEO नहीं तो उस समय तक डिप्टी CEO को जिम्मेदारी दे के जो विकास कार्य हमारे रुके हैं, 8-9 माह से कोई भी पैसा पंचायतों को नहीं जा रहा, वो कार्रवाई तुरंत गति करें, क्योंकि 1 करोड़ रुपये के जो वाटर कूलर थे, पानी के टैंकर खरीदने थे, उसके लिए जो कमेटी बनी गई थी और वो आज तक 1 साल से सिरे नहीं चढ़ी, उसमें लगातार ये अपने रोड़े अटकाते रहे अधिकारी। इसलिए हम कहते हैं कि अधिकारियों का जो मुख्य उद्देश्य बन गया पंचायती अधिकारों का हनन करना, पंचायतों को दबाना, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज हमने धरना लगाया और हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो पता लगा हमें कि DC ऑफिस में आए हैं, वो आके बात सुनेंगे यदि उचित तरीके से तो हम ये धरना अगली कार्रवाई करेंगे, यदि जो को बात नहीं सुनेंगे तो फिर अगली आगामी कार्रवाई हम करेंगे। किन किन अधिकारियों के प्रति नाराजगी हुई? हमारी मुख्य CEO पे है जो दुर्व्यवहार किया, नंबर एक तो, और जो रुचि नहीं लेता काम में वो AO, हमारे मुख्य तो हमारे CEO है जिसका भी सरकार ने तबादला किया है, लेकिन हम कहते हैं उसकी सभी विकास कार्य रुके हुए हैं, 2 साल से कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। और हमारी तो यही मांग है कि पूरा अधिकारी सब बदले जाए। किन किन अधिकारियों के प्रति आप कह रहे हैं? CEO, DC, ये सभी अधिकारी ऐसे ही हैं, काम कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, PN तक काम नहीं कर रहे, सब ने कहने से कर रहे हैं। इंडिया एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।